देखिए क्या होता है, एक बहुत ही सैड बात यह है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, मजबूर बोल रहे हैं पढ़ रहा हूं मैं। क्यों पढ़ रहे हो? पेरेंट्स ने कहा। अब वो जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस डिग्री चाहिए। डोंट स्टडी फॉर दैट पीस ऑफ पेपर। वो डिग्री के लिए नहीं स्टडी करना चाहिए, वो नॉलेज के लिए स्टडी करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नॉलेज है वो असल चीज है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है, सल्लल्लाहु इल्म नाफियन, अल्लाह से मांगो नफा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। अल्लाह से फायदेमंद इल्म मांगो, जो बेनिफिशियल नॉलेज है वो मांगो। तो जो बेनिफिट है उसके ऊपर हमारी नजर है, फायदा क्या है। मैं ये पढ़ रहा हूं, ये पढ़ के फायदा क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट इन इट। अगर मान लीजिए कि कोई शख्स को पता नहीं है, ही डजंट नो कि व्हाट इज द बेनिफिट, पढ़ रहे हैं लेकिन बेनिफिट नहीं पता है, तो क्या करें? सिस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो क्या करें? डोंट नो कि क्या बेनिफिट, मुझे मालूम नहीं है, पढ़ रहा हूं ये मालूम है, क्या बेनिफिट है नहीं मालूम है। बस एडमिशन मिल गया मुझे कॉमर्स फैकल्टी में, आर्ट फैकल्टी में एडमिशन मिल गया, साइंस फैकल्टी में एडमिशन मिल गया, मैं बस बताने के लिए, किसी को बताने के लिए मैं एडमिशन ले लिया, तो ही डजंट नो व्हाट इज द बेनिफिट इन इट। तो वो शख्स क्या कर सकता है, आप लोग बताइए, वो शख्स क्या कर सकता है, मेल हो फीमेल हो, वो क्या कर सकते हैं बताइए? ही डजंट नो व्हाट इज द बेनिफिट, फिर क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ, आजकल तो बहुत इजी हो गया है, क्या कर सकते हैं? नहीं मालूम है, फायदा क्या है नहीं मालूम है जी। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अब नहीं है इंटरेस्ट, क्या फायदा है नहीं मालूम है, फायदा इल्म नाफिया बेनिफिशियल नॉलेज, बेनिफिट क्या है नहीं मालूम है, बस पढ़ रहा हूं, तो वो क्या करे जाने, बेनिफिट जानेंगे। और आजकल तो बहुत ईजी हो गया, गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट है उसके अंदर। हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, वो है कि कोई चीज पढ़ रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट इन इट, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इफेक्टिवली स्टडी करना है ना, सक्सेस के अंदर ये पहला कदम है, वो नहीं मिल सकता रसम अदा करके। ये रट्टा मारने वाली जो सिस्टम है ना, रट्टा मार मार के किसी तरह से पास कर लेना, किसी तरह से बस मैंने एग्जाम पास कर लिया, मैंने सर्टिफिकेट पास कर लिया, दैट इज नॉट इफेक्टिव स्टडीज। भले अच्छे रिजल्ट वक्ती तौर पर दिखने लगे, वो रियली नॉलेज नहीं हुई एक इंसान की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।